टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं फंक्शन का जो हमने पहले पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था हमने। तो थोड़ा सा जो है हम इंट्रोडक्शन फंक्शन पे देना चाहते हैं। फंक्शन जब हमारा फंक्शन रिवाइज हो जाएगा उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी फंक्शन को मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं। लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है हमारे पास, सच दैट x tends to y, it means हमारे पास f एक फंक्शन है जो x से y पर है। means आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये x और ये y, तो यहां से जितनी भी वैल्यूज हमारी होगी वो x में जाएगी। तो जो हमारा पहला वाला सेट है हम इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसका नाम हमारा होता है कोडोमेन, और इसके अंदर ही होती है हमारी रेंज। जो आपने डोमेन और रेंज आपने पहले पढ़ा होगा उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम रिवीजन ले लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले। अब क्योंकि हमारे पास वर्ड है इनवर्स, तो इनवर्स किस टाइप के फंक्शनों का एग्जिस्ट करता है, मींस इनवर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं। तो इनवर्टेबल फंक्शन जो होते हैं हमारे, जो इनवर्टेबल फंक्शन हमारे होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन जो 1-1 और ओन टू, जो फंक्शन 1-1 भी होता है और जो फंक्शन हमारा ओन टू भी होता है, हम उसे बोलते हैं इनवर्टेबल फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अब आप देखिए 1-1 क्या होता है, 1-1 फंक्शन से हमारा यहां पर मतलब होता है, ये अभी हम थोड़ा सा फंक्शन को रिवाइज कर रहे हैं उसी के बाद हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा। तो 1-1 फंक्शन हम किससे बोलते हैं, जब यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की अगर एक ही इमेज आए, दो एलिमेंट हमारा होता है अगर उस एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आए तो हम उसे 1-1 फंक्शन बोलते हैं। इमेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा यहाँ पर कोई एलिमेंट x है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, y, तो ये जो y होता है y इज अ इमेज ऑफ x और x इज प्री इमेज ऑफ y। जो x जो होता है वो y की प्री इमेज होती है और जो y है वो x की इमेज होती है। तो इट मीन्स 1-1 से मतलब होता है कि आप अगर किसी फंक्शन में, जैसे हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन जो होता है हमारा वो क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, जितने भी फंक्शन हमारे होते हैं वो y इज इक्वल टू एफ एक्स ही होते हैं, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, एक्स स्क्वायर, लोग एक्स, वो सब हमारे एफ एक्स ही होते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू लोग एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कुछ भी फंक्शन हो सकता है हमारे पास। तो अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले थोड़ा सा फंक्शन को आप डिफाइन कर रहा हूं। अभी 1-1 से मतलब होता है कि यहां से आप कोई भी एक वैल्यू अगर आप पुट करते हो इसमें x की, तो उसको पुट करने के बाद y की यूनिक वैल्यू यानी कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए। इट मींस जो 1-1 फंक्शन होता है या एक एलिमेंट की एक ही इमेज आए, यानी कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। अब हमारे पास एक आता है ओन टू, ओन टू फंक्शन का मतलब यहां पर ये होता है कि जैसे सभी x के लिए हमको y मिलेगा, सभी x के लिए हमको y मिलेगा, ऐसे ही हमारे पास जितने भी y हैं, जितने भी y हमारे पास यहां पर हैं उन सब के लिए हमें x भी
मिलना चाहिए. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ईच वाई. सभी y के लिए अगर आपको x मिल रहा है और y कहां पर मिलेंगे हमें, यहां. तो जितनी भी वैल्यू y की है यहां से, उन सब के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, x मिला. सभी के लिए, कोई भी सिंगल एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज हमें यहां मिलनी चाहिए. जैसे कि आपने रेंज और डोमेन निकाली थी, उससे ही रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास. यानी कि जो हम रेंज निकालते हैं वो क्या होता है, वो सभी वैल्यूज होती हैं हमारे पास y की, जिनके लिए हमारे पास x एग्जिस्ट करता है. तो ऐसे ही यहां पर आप देखिए, ओंटू फंक्शन. ओंटू फंक्शन का मीनिंग यहां पर होता है कि हर एक y के लिए हमें डोमेन में x जरूर मिलना चाहिए. तो अभी हमारा इतना यूज है नहीं इन चीजों का, थोड़ा सा रिविजन दे रहे हैं हम, जिससे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ सकें. तो अभी हमारे पास था इन्वर्टेबल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं. तो इन्वर्टेबल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो वन वन भी होता है और जो ऑन टू भी होता है. तो वन वन हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन के लिए हर एक एक्स के लिए यूनिक वाई मिलना चाहिए. मीन्स एक्स की वैल्यू जब हम एक पुट करेंगे तो हमें वाई भी एक ही मिलना चाहिए. अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूं, तो एक फंक्शन है हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर पर, और एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर. तो यहां पर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब कि दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए. मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, अलग अलग होनी चाहिए. जैसे यहां पर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो f2 की वैल्यू हमारे पास आती है 4, और जब हम यहां पर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो भी वैल्यू हमारी आती है 4. अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है. 2 की इमेज भी कितनी आई, 4, और -2 की इमेज भी कितनी आई हमारे पास, -4. इट मीन्स ये हमारा फंक्शन वन वन नहीं है, ये हमारा फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन. मीन्स अगर हम इसको समझे तो यहां पर 2 है, यहां पर -2, और यहां पर हमारे पास क्या है, 4. तो 2 और -2 दोनों की जो हमारे पास इमेज आ रही है वो 4 आ रही है. इट मीन्स ये वन वन फंक्शन नहीं है. तो ये फंक्शन हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा मैनी वन. इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो ही फंक्शन की जरूरत है, वन वन फंक्शन और ओन टू फंक्शन. हमें इसी पर ही, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है. अगर हम इसको चेंज कर दें, मींस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कर देते हैं, तो अब ये हमारा फंक्शन वन वन हो जाएगा. क्यों, क्योंकि -2 की इमेज कितनी आएगी, 4, और -2 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है. इट मीन्स यहां पर जितने भी एलिमेंट आप डालोगे उसके लिए आपको यूनिक इमेज ही मिलेगी. क्या मिलेगी हमको यहां पर, यूनिक इमेज. तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वन वन. तो अभी हम डिस्कस करते हैं वन वन और ओन टू. तो वन वन आपके आपको समझ में आ गया है कि एक एलिमेंट की जो इमेज होगी हमारी, हर एलिमेंट की अलग अलग होगी, किन्हीं भी दो तीन या ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं होगी. अब आते हैं ओन टू. ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास x की वैल्यू पुट करने पर आपको y मिलता है, तो सभी y के लिए हमारे पास x भी होना चाहिए. अगर सभी y के लिए, अगर कोई भी एक y हमारे पास छूट जाता है, अगर कोई भी y हमारे पास छूट जाता है जिसके लिए हमें x नहीं मिल रहा है, इट मीन्स वो फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं है. तो जितने भी एलिमेंट यहां पर हैं उन सब की प्री इमेज यानी कि एक्स हमें यहां पर मिलना चाहिए, तभी वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ओन टू होता है. अब हमारे पास एक वर्ड आता है बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन Which is one one on two, a function which is one one on two.
इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो फंक्शन हमारा वन वन भी होता है और साथ में वो फंक्शन हमारा क्या होता है ऑन टू भी होता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो अब हमारे पास एक वर्ड था इनवर्टेबल फंक्शन, अ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव, अ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव, एक फंक्शन जो हमारे पास बाइजेक्टिव होता है मीन्स वन वन भी हो और ऑन टू भी हो इज कॉल्ड इनवर्टेबल फंक्शन, इज कॉल्ड इनवर्टेबल फंक्शन। तो अभी जो हमने थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा समझाया है फंक्शन के बारे में, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा यूज था। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है बाइजेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन विच इज वन वन ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। और उसके बाद जो हमारे पास है इनवर्टेबल फंक्शन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इनवर्टेबल फंक्शन हमारा कौन सा होता है, अ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव, मीन्स जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होते हैं, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है वो हमारा इनवर्टेबल फंक्शन होता है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं इनवर्स की, तो इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने 11th में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, तो अब हम उन्हीं का इनवर्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा कि वो वन वन ऑन टू है या नहीं है। अगर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट उनका, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट उनका नहीं करेगा। तो अभी हमें यहां पर एक बात और समझनी है कि सबसे पहला तो यह बात ध्यान रखना कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है कैलकुलस में, जब हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो जो पहले पढ़ाई है उसको आपको बिल्कुल अच्छे से पक्का करना है, उसको रिवीजन करना है, तभी आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में अच्छे से आएगा। अभी क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है इनवर्स, तो इनवर्स जो है वो किन फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है, इनवर्स करता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं मीन्स वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स में। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, इसमें से साइन कोस टैन कॉट सेक और कोसेक, साइन कोस टैन कॉट और सेक। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स, साइन फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, उसकी रेंज और डोमेन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 11th क्लास में हमने पढ़ा था साइन की जो रेंज और जो साइन की जो डोमेन होती है, साइन फंक्शन रियल नंबर से -1 और 1। अभी जरा इसको आप ध्यान से देखेंगे, साइन जो होता है वो हमारा रियल नंबर से कहां पर होता है, -1 से 1। तो इसकी जो डोमेन होती है साइन की वो होती है रियल नंबर, और जो रेंज होती है हमारे पास साइन की वो होती है -1 to 1। अभी हमें एक बात और देखनी है कि फंक्शन क्या होता है, कि उसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइन इनवर्स हमारा फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऑन टू तो है क्योंकि -1 to 1 के लिए सभी आपको आर मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि साइन का ग्राफ क्या होता है। अब आप देखिए यहां पर जो साइन का हमारा ग्राफ होता है
या कुछ इंटरवल्स बना देते हैं हम, ये जीरो, ये पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू और टू पाई एंड सो ऑन, आगे भी हम जा सकते हैं। यहां पर लेते हैं माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू और माइनस टू पाई, और जो y की वैल्यू होती है वो माइनस वन टू वन के बीच में होती है। तो अब साइन का जो ग्राफ बनेगा हमारा तो किस तरीके से बनता है, साइन जीरो जीरो यहां जाएगा, ये वन, साइन नाइनटी वन जीरो, माइनस वन जीरो, ऐसे ही ये हमारे पास साइन का ग्राफ होता है। अब आप यहां पर देखिए, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये फंक्शन वन वन है तो हम एक्स की एक वैल्यू पुट करेंगे, वाई की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं, जैसे साइन थर्टी, साइन सिक्सटी, सॉरी साइन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, रूट थ्री अपॉन टू होती है साइन सिक्सटी की वैल्यू। अगर हम देखें साइन वन ट्वेंटी की वैल्यू कितनी आएगी, टू पाई बाई थ्री, तो ये हमारी रूट थ्री अपॉन टू ही आएगी। साइन सिक्सटी और साइन वन ट्वेंटी की जो वैल्यू होती है वो रूट थ्री अपॉन टू ही होती है। इट मींस कि हमने एक्स की एक वैल्यू ली पाई बाई थ्री, एक वैल्यू हमने ली टू पाई बाई थ्री, और दोनों पर ही वैल्यू कितनी आ रही है, रूट थ्री अपॉन टू। इट मींस साइन जो है वो वन वन फंक्शन तो हुआ नहीं, ये हमारा फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन। मैनी वन का मतलब है बहुत सारे एक्स के लिए एक ही वैल्यू का मिलना। अब यहां पर हम देखते हैं कि ग्राफिकल ग्राफ से भी समझते हैं, नाइनटी पर जो वैल्यू है हमारी y की वो 1 आ रही है। 90 पर कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 1। और अगर आप देखें माइनस थ्री पाई बाय टू, या यहां पर आप देखेंगे 5 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू पर ही y की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो हमने वाई एक्स की दो वैल्यू ली पाई बाई टू और फाइव पाई बाई टू, और दोनों पर हमने नोटिस किया कि जो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट करने पर भी वाई की वैल्यू वन आई, और फाइव पाई बाई टू अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो भी कितनी आ रही है हमारी वैल्यू, 1। इट मींस जो साइन है वो वन वन तो हुआ नहीं, और फंक्शन वन वन नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है, वन वन और ऑन टू। तो अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो वन वन तो नहीं है, जब वन वन नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, और बाइजेक्टिव भी नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या करें, हां अगर हम इसकी डोमेन को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दें, इसके अंदर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन अगर हम डाल देते हैं तो हो सकता है कि शायद ये हमारा फंक्शन वन वन हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पूरा ग्राफ बनाया है, तो मैं इस ग्राफ को पर्टिकुलर एक सिंगल इंटरवल के अंदर लेता हूं। तो अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करी हमने वैल्यू, तो भी थ्री अपॉन टू आई, एंड वैल्यू ऑफ साइन एट टू पाई बाई थ्री इज ऑल्सो रूट थ्री अपॉन टू। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट वन वन, नॉट बाइजेक्टिव, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम क्या करें कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन का एग्जिस्ट कर जाए, तो अभी हम क्या करते हैं कि थ्रू आउट पूरे इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन वन वन नहीं होता है तो हम उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि इसका पर्टिकुलर एक थोड़ा सा छोटा सा एक इंटरवल ले लेते हैं। अभी हमारे पास साइन की जो डोमेन है वो आर है, और रेंज कितनी है हमारे पास, माइनस वन टू वन, ऑन टू तो है क्योंकि कोई भी वाई ले लीजिए आप, आपको x जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी y लीजिए आपको x जरूर मिलेगा, तो ऑन टू फंक्शन तो है। इट मीन सभी y के लिए x तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है।
फंक्शन ये वन वन नहीं है, साइन इज नॉट वन वन। तो अभी हम क्या करते हैं कि फंक्शन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, यानी ये उसकी जो डोमेन है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर हम इस फंक्शन का एक पर्टिकुलर एक छोटा सा इंटरवल लें, इंटरवल से मतलब है कि अगर हम पूरा का पूरा ग्राफ ना लेकर के सिर्फ यहां से लेकर के और यहां तक के बारे में ही डिस्कस करते हैं, तो मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। वन माइनस वन, अभी ये हमारे पास आया माइनस पाई बाई टू और एक हमने लिया यहां से पाई बाई टू। तो अब यहां पर जो हमारी ग्राफ जो बनता है वो इतना ग्राफ बनता है, आप देखिए हमने क्या किया, साइन को एक छोटी सी ब्रांच हमने ले ली है, जो एक इसका पूरा जो इंटरवल था हमने उसमें से एक छोटा सा इंटरवल ले लिया है माइनस पाई बाई टू से पाई। ये अभी हमारा इंटरवल था इनफाइनाइट, मतलब ये पूरा रियल नंबर था हमारे पास इंटरवल, हमने उस रियल नंबर में से एक छोटा सा एक इंटरवल ले लिया है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अभी अगर हम देखें माइनस पाई बाई टू से लेकर के और पाई बाई टू तक, आप ये एक्स यहां पर होता है और वाई यहां, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक आप कोई भी एक्स ले लीजिए। अभी डोमेन हमने क्या किया कि रियल नंबर थी हमारे पास डोमेन, हमने उसमें से पोर्शन ले लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो अभी हम क्या देखते हैं कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, माइनस, जो भी आपको वैल्यू मिलती है आप साइन थीटा में साइन में डाल के देख लीजिए, आपकी जो वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स अगर हम देखें कि साइन एक्स इज नॉट वन वन थ्रू आउट द इंटरवल, बट साइन इज वन वन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो साइन जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में हमारा फंक्शन कैसा आया, वन वन आया। तो इट मीन्स यहां पर इस इंटरवल में फंक्शन वन वन भी है और ओन टू तो ये है ही ऑलरेडी। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में जो हमारा साइन फंक्शन है वो वन वन भी है, मीन्स हर एक्स के लिए सिंगल वैल्यू वाई की मिलती है, और ये ओन टू भी है, मीन्स सभी वाई के लिए आपको एक्स भी मिल रहा है। इट मीन्स साइन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन इन दिस इंटरवल, मीन्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में जो हमारा साइन फंक्शन है ये साइन बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो कुछ ब्रांचेज में एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द इंटरवल, फंक्शन का फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव बट इन सम इंटरवल फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो अभी हम यहां पर देखते हैं तो अब जो हमारा साइन फंक्शन है इसे हम लेते हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। पहले हमारे पास जो डोमेन थी साइन की वो रियल नंबर थी, अब मैंने उस रियल नंबर की डोमेन को सिर्फ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लिया है। तो अब जो हमारी साइन की डोमेन मैंने ली है फिलहाल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू और रेंज जो है वो माइनस वन से वन, अब इस इंटरवल में साइन हमारा वन वन भी है और ओन टू भी है। इट मीन जो हमारा साइन है यहां पर वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये वन वन भी है और ओन टू भी है। अब यहां पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसी को ही। अब ये इनवर्स का मीनिंग क्या है, इनवर्स का मीनिंग आपका ये हो गया कि जैसे मान लीजिए एक्स वाई एफ एक फंक्शन है जो हमें एक्स से वाई पर पहुंचाता है,
तो x जो है हमारा फंक्शन है वो x से y पर है, ये x हुआ और ये y डोमेन हुई और ये क्या होगी इसकी हमारे पास रेंज। तो जो x जो f एक फंक्शन था जो हमें x से y पर लेता, इनवर्स जो होता है वो उसी फंक्शन का होता है जो उसे हम डिनोट करते हैं f इनवर्स से। मैट्रिक्स में भी आपने देखा होगा f इनवर्स ये क्या होगा जो y से हमें x पर लेके जाएगा, मींस f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y एट द इनवर्स ऑफ f, मींस f इनवर्स जो है वो y से x पर आएगा। तो ऐसे ही अब जो साइन का इनवर्स है उसे हम डिनोट करते हैं साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स इज अ फंक्शन जो आपको माइनस वन से वन इस इंटरवल से वापस इस इंटरवल में देगा। अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया था, इस टाइप के छोटे छोटे इंटरवल उसमें काफी सारे मिलेंगे, इस टाइप के जो इंटरवल्स हैं हमारे पास वो काफी सारे मिलेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, इस पूरे ग्राफ में से हमने पर्टिकुलर एक इंटरवल लिया था यहां पर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, जिसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने आपको यहां पर, तो इस इंटरवल के अंदर जो है हमारा ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है इसलिए बाइजेक्टिव है और उसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट किया था। तब हमने जो हमारा साइन फंक्शन था हमने उसे यहां पर रियल नंबर के प्लेस पर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लिया था। तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो हमारा साइन फंक्शन जो है इस पोर्शन में इस इंटरवल में जो है ये इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो वन वन ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव है। तो जो साइन का इनवर्स होता है उसे हम डिनोट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से। अब यहां पर आप देखिए कि हमने सिर्फ ये वाली ब्रांच ली थी, हम यहां से लेकर के और ये ब्रांच भी ले सकते थे क्योंकि इस यहां से लेके यहां तक भी तो हमारा फंक्शन वन वन ऑन टू है, और फिर हम यहां से लेकर के यहां तक की भी ब्रांच ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ही लिया है, तो इसीलिए इस ब्रांच का नाम होता है प्रिंसिपल ब्रांच। तो जो हमारी ब्रांच होती है, जो स्टार्टिंग में हमने ब्रांच ली थी वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ली थी, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो द ब्रांच विद द रेंज माइनस पाई बाय टू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा भी और सारी ब्रांचेज हो सकती है जो मैंने अभी ग्राफ पे आपको समझाया था, बट जो इनिशियल हमारी है वो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अभी हम थोड़ा सा जो हमने आज पढ़ा है हम उसको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने आज देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि कुछ फंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो वन वन और ऑन टू नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उन फंक्शंस में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दें, उसकी डोमेन या उसकी रेंज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा चेंज कर दें, तो वो फंक्शन हमारा वन वन और ऑन टू हो जाता है, क्योंकि इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है जो इन्वर्टेबल होते हैं, और इन्वर्टेबल फंक्शन कौन से होते हैं जो बाइजेक्टिव होते हैं। बाइजेक्टिव का मींस अ फंक्शन विच इज वन वन ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है इन्वर्टेबल होने के लिए। अब जब हमने बात की थी साइन की तो हमने ग्राफ के थ्रू आपको समझाया था कि थ्रू आउट जो उसकी हमारी डोमेन है, जब हमने उसमें उसका ग्राफ लिया था उसमें जो साइन है वो वन वन नहीं था। अब जब वन वन नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर चैप्टर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनवर्स, इन सभी फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट तो करना चाहिए। तो हमने क्या किया था, जो हमारा फंक्शन था साइन वो रियल नंबर से माइनस वन टू वन था, तो इस डोमेन में फंक्शन हमारा वन वन नहीं था, ऑन टू तो था बट वन वन नहीं था। अब जब वन वन नहीं है तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसको हमने रेस्ट्रिक्शन दे दी
कि हमने इसको पूरा ना लेकर के हमने उस पूरे रियल नंबर में से एक छोटा सा इंटरवल लिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। उसमें और भी सारे काफी सारे इंटरवल्स हम ले सकते हैं, जैसे पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू से आगे जो भी इंटरवल्स हमारे आएंगे हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने स्टार्टिंग में जो लिया उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये हुआ हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो हमने क्या किया, जो हमारी उसकी डोमेन जो पूरी रियल नंबर थी हमने उसे कन्वर्ट कर दिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। अब यहां पर क्या हुआ कि फंक्शन वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो जो हमारा साइन है वो इसमें इनवर्स नहीं देता है बट इसमें इनवर्स देता है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन आया था। तो यहां पर जो साइन का इनवर्स है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखना जो ऊपर माइनस वन लिखा है ये पावर नहीं है, आप इसको ये नहीं लिख सकते, और या आप इसको ये भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फंक्शन को डिनोट करता है। तो ये माइनस वन पावर ऐसे ही रहेगी, इसको माइनस वन पावर मत रीड कीजिए, इसको कीजिए साइन इनवर्स इनवर्स के इनवर्स का नोटेशन है। तो अभी हमने आज जो पढ़ा है वो साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, किस इंटरवल में करता है हमने वो पढ़ा। तो हमने आप देखा कि जो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, अब ध्यान रखना उसकी डोमेन माइनस वन टू वन, और जो इसकी रेंज है, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो है पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो ये हमारा फंक्शन था साइन इनवर्स। अभी इन अब इतना वन वन ऑन टू जो हम फंक्शन हम पढ़ा रहे हैं बाइजेक्टिव उसका इतना यूज है नहीं, थोड़ा सा रिवीजन दिया गया है आपको। यहां पर सिर्फ हमें ये इंटरवल्स को ध्यान में रखना है कि किस इंटरवल में उसको डोमेन होती है और क्या उसकी रेंज होती है। तो अभी आज के लिए हम साइन इनवर्स है, नेक्स्ट क्लास में हम कोस सेक टैन कोट इनवर्स की रेंज डोमेन और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल बना के देता हूं जिसमें साइन फंक्शन जो साइन हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़ी थी 11th क्लास में उनकी रेंज और उनकी डोमेन को आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उनको थोड़ा सा याद करेंगे। तो मैं यहां पर लिख के दे देता हूं, जो 11th क्लास में पढ़ा था आपने, जो साइन होता है इसकी डोमेन रियल नंबर और साइन की जो रेंज होती है वो माइनस वन से वन पर होती है। ऐसे ही कोसाइन कोस फंक्शन इसकी जो डोमेन होती है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर और रेंज होती है इसकी माइनस वन से वन। ऐसे हमारे पास टेन होता है, टेन टेन की जो डोमेन होती है वो जरा ध्यान से देखना रियल नंबर में से रियल नंबर ही होती है, लेकिन उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमें बाहर करने होते। कौन से हैं, x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2, जो इसकी डोमेन होती है वो रियल नंबर में से ओड मल्टीपल ऑफ pi by 2 बाहर कर दीजिए। ओड मल्टीपल ऑफ pi by 2 हमने बाहर क्यों किए थे, आपने 11th में भी ये समझा होगा। फिलहाल आप देखिए जो tan की जो tan क्या होता है, sin theta upon cos theta। जब हम रेंज और डोमेन निकालते हैं तो डोमेन और रेंज में हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। जो कोस है ना इसकी वैल्यू जीरो बनेगी पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, फाइव पाई बाय टू पे, सेवन पाई बाय टू पे। इट मीन जब भी आपकी ओड ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पाई बाय टू आएगा तो ये हमेशा कोस जीरो बनेगा, तो आपकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए हमने रियल नंबर में से बाहर निकाल दिए कौन, जो ओड मल्टीपल ऑफ 90 थे, और जो इसकी रेंज आती है वो पूरी रियल नंबर आती है। अब हमारे पास आता है कोट, कोट हमारा होता है कोस अपॉन साइन।
साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो होता है जब पाई का मल्टीपल होता है, जैसे पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, सेवन पाई, सिक्स पाई, सभी पे ये जीरो होता है हमारे पास साइन, यानी कि 180 डिग्री के जितने भी मल्टीपल आएंगे उन पे साइन जीरो होता है। तो रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिए हैं किसके मल्टीपल? पाई के। और जो एन है हमारा वो बिलोंग्स करता है जेड में, एन बिलोंग्स टू जेड, और जो इसकी रेंज आती है वो पूरी रियल नंबर होती है। अब आते हैं हम सेक पर। सेक थीटा की जो डोमेन होती है, सेक क्या होता है? वन अपॉन कोस। तो वन अपॉन कोस यानी कि ओड मल्टीपल निकाल दीजिए, आर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ 90, n belongs to z। और जो sec की रेंज होती है वो होती है रियल नंबर में से माइनस वन टू वन आप निकाल दीजिए, तो ये इसकी रेंज होती है, डोमेन सॉरी cosec। cosec होता है वन अपॉन साइन, यानी कि इसका मतलब हुआ n के जो पाई के मल्टीपल है उन्हें बाहर निकाल दीजिए आप, एन बिलोंग्स टू जेड और इसकी रेंज होती है माइनस वन टू वन। ये हमें याद होने चाहिए क्योंकि आज हमने साइन को डिस्कस किया है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो माइनस वन टू वन और रेंज होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। प्रिंसिपल ब्रांच, ब्रांच की जो प्रिंसिपल ब्रांच है। ऐसे ही हम अभी आपने साइन डिस्कस किया है, अब हम कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक को हम पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सेकंड क्लास के अंदर। तो फिलहाल अभी हमें साइन इनवर्स, एक्स की जो डोमेन है, रेंज, ये सब हमें अच्छे से याद करनी है। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है, समझना है। वीडियो को आप एक दो बार आप देखिए, उसको नोट्स बनाइए। एक चीज का ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज है, मीन्स विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप सोल्व नहीं कर सकते हैं कैलकुलस के क्वेश्चंस। और कैलकुलस हमारी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन बहुत डीपली और अच्छे से समझना है। तो आज की क्लास के इतना ही है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लेके चलेंगे कोस इनवर्स के, कोस टेन, कोट, इन सबके इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।